अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आयुष नेटवर्क की फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों को मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी, ये वीडियो गौर से देख लें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, मेरे सामने आयुष एप्लीकेशन ओपन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी वो यहाँ पे माइनिंग वाले बटन पे क्लिक नहीं करते, इसको ग्रीन नहीं करते। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, ये येलो सा है, ठीक है। सो आपने इसको करना है ग्रीन। अब इसको आपने सिंपल दबाए रखना, ठीक है। आप पहले भी यहां से माइनिंग करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं अब हमें कौन सा कॉइंस रिसीव होते हैं, हम क्यों माइनिंग करें। लेकिन ये आइस वालों ने हमें स्पेशल कहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जाकर दिखाया था कि उन लोगों ने स्पेशल ट्वीट किया है कि आपने जी यहां पे लाजमी क्लिक करना है 28 फेब तक, अदरवाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, ठीक है। एक तो यह पॉइंट हो गया, आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि यहां पर डेली जो है ना वो माइनिंग करनी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को 28 डेट को जो है ना फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है, कितने कॉइंस मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, और जो नहीं मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और यहां पे जैसे ही आप आइस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर आपको ये रेड कलर में देखें, ये एक उनका जो है ना वो नोटिफिकेशन यहां पे पिन है। उन्होंने कहा एडी और बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस के 28 डेट से पहले पहले अपना बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस लगा लें, ठीक है। मैं बहुत मरतबा ये चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब व्यूअर्स है कि उन लोगों को समझ नहीं आती, मैं फिर इसको जो है ना अगेन इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाते तो आपको जो है ना यहां से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, कॉइंस नहीं मिलेंगे, तो फिर आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ठीक है। ये है बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस, ये कैसे लगाना है, कैसे, ये सारी चीजें ए टू जी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। चैनल को विजिट कर लें और जाके आप लोग जो है ना यहां पर अपना एड्रेस वगैरह यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। और कॉइंस माइनस हो रहे हैं, ये बहुत लोगों ने पूछा, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो हमारा रेफरल रिवार्ड है, जिन लोगों की केवाईसी हुई है, क्विज हुआ है, वही हमें मिलेगा। जिन लोगों की क्विज नहीं हुआ, केवाईसी नहीं हुई, जो हमारे रेफरल हैं, उनकी तरफ से हमें कोई रेफरल रिवार्ड नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड 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 ही है, ठीक है, सारे क्विज माइनस ही हो रहे हैं डेली बेसिस पे। अब बात करते हैं हम इसकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें कितने परसेंट होगी। अब देखें मेरे पास यहाँ पे जो है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फिलहाल मेरे पास 3,29,000 जो है ना वो कॉइंस अवेलेबल है, लेकिन ये 28 डेट तक, अभी 2-3 दिन है, अभी मजीद ये माइनस चले जाएंगे, ठीक है ना। सो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3,00,000 कॉइंस जो है ना वो बच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें से मुझे जो 28 डेट को मिलेंगे वो 70% मिलेंगे। इसी तरह आपके पास भी अगर 10,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, 5,00,000 है, जितने भी हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 28 डेट को जितने बच गए उसमें से आपको 70% मिलेंगे। बाद में ये ना कहिएगा कि मेरे पास 1,00,000 था, मुझे 70,000 क्यों मिले, ठीक है ना। ये मुझे पता है आप लोगों ने क्वेश्चन करना, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया कि आप लोगों को जो है ना 70% मिलेगी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि बाकी का 30% जो है वो कहां जाएगा, वो कब मिलेगा। अब बाकी का जो 30% कॉइंस है ना वो आपके लॉक कर दिए जाएंगे, वो उन्होंने कट कर लेने हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो 5 ईयर्स तक जो है ना वो मिलेंगे थोड़े थोड़े करके, ठीक है ना। अभी ये जो है ना अपडेट, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 30% जो कट करें, मे बी वो उसको जो है ना वो फी के तौर पे कट कर लें, चार्जेस ले लें, ठीक है। लेकिन मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे जो यही लगा था कि जो बाकी के 30% है ना वो हमें 5 सालों में जो है ना वो थोड़े थोड़े मंथली बेसिस पे करके दे दिए जाएंगे, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 70% इट्स एनफ जो हमें एक साथ ही मिल रहा है, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ से अर्निंग होने वाली है माशाल्लाह से। मैंने पिछली वीडियो में अपनी अर्निंग भी दिखाई है आपको आइस में, ठीक है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख लें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है, क्योंकि वो अर्निंग तो जस्ट 10% कॉइंस मिलने पर है, अब हमें 70% मिल रही है, 7 गुना ज्यादा मिल रही है। अगर मेरे $200 बन रहे हैं 10% से, तो अगर मुझे 70% मिलेंगे तो मेरे तो यहाँ से मतलब 7 गुना मेरा तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें, मतलब ये $1,000 को क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह से। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो $1,000 आसानी से आई से कमाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने अभी इसको सेल नहीं करना, इसके अपने अपने जो है ना वो मेन नट तक आपने वेट करना। जब इसका अपना अक्टूबर में मेन नट आएगा तो फिर मैं आप लोगों को सिग्नल दूंगा कि अब हम सेल करें या क्या करें, इसको कैसे मतलब ज्यादा हम जो है ना इससे प्रॉफिट ले सकें, क्योंकि हमने इसके ऊपर 8-9 माह जो है ना वो क्लिक किया है, मेहनत की है, टाइम दिया है अपना। सो हमने यहां से जो है ना ज्यादा प्रॉफिट लेना है इंशाल्लाह से, ठीक है। सो अब बात करते हैं, यहां पे मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूं। यहां पे देखें, इन्होंने जो है ना एक ऑफिशियल जो है ना वो टेलीग्राम अकाउंट है। अब यहां पे इन्होंने जो है ना वो एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, जो मतलब के हमारे ये कॉइंस काटे जा रहे हैं। अब यहां पे ये 3 लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब ये 3 लोग हैं जो हमारे कॉइंस काटते हैं, जो अपडेट देते हैं सारा कुछ। ये इनके जो है ना प्रोफेशनल जो भी डेवलपर वगैरह है, इसके ओनर्स हैं, ठीक है। ये इनके नेम्स भी लिखे हैं और जो इनके
प्रोफेशनल है वो 20 प्लस लोग हैं इनकी टीम में जो आइस ऐप को रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो इन सब के हेड हैं, ठीक है, ये जो एक पोनी वाला बंदा बैठा है इधर आप देख सकते हैं एक साइड पे, इसको तो हमने पहले देखा ही होगा, ये इसकी वीडियोस वगैरह भी आती है। इसी ने एक क्विज का कहा था, बहुत सारे लोगों का क्विज फेल हुआ ना, तो इस बंदे ने एक क्विज का कहा था कि जी ना वो आइस का क्विज होगा ये वो। सो ये वो बंदे हैं जिन लोगों ने आइस को डेवलप किया और यहां तक आ गए, ठीक है। और इंशाल्लाह जब इनका अपना मेननेट आएगा सो होपफुली इसकी प्राइस अच्छी आएगी, फिर हम कॉइन सेल करेंगे। अब होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 28 डेट को आपका जितना भी बैलेंस है उसमें से 70% आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ब्लॉकचेन में आ गए, मेटामास्क में नहीं गए, उनकी जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना वो मुझे भी ब्लॉकचेन में आ गया। अगर मैं यहां पे दिखाऊं ना, मुझे पहले जो है ना वो 15,000 समथिंग मिले थे, अगर मैं अब आपको ब्लॉकचेन में दिखाऊं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 30K है, 29K है, ठीक है ना। सो यहां पे आप देख सकते हैं ये मुझे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिल गए हैं, सबको मिल गए हैं जिनको पहले मिले थे। अब ये मेरे मेटामास्क में नहीं गए, ठीक है ना, मेटामास्क में मेरे वो 15K ही है, ये इधर ही है, ठीक है ना। अब ये भी जो है ना 28 डेट के बाद ये भी चले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे अपने, जब आपके ब्लॉकचेन में आ गए ना फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने जो एड्रेस दिया है ऑटोमेटिकली वहां पे चले जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी यहां से हमने कैसे लेके जाने हैं ब्लॉकचेन से मेटामास्क में, यहां से खुद ही चले जाएंगे, बस आपके ब्लॉकचेन में आ जाए, समझ लें आपको मेटामास्क में मिल जाएंगे। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि जी कितने कॉइन्स होने चाहिए तो विड्रा मिलेगा, मैंने ऑलरेडी भी बताया कि आपके पास मिनिमम 1000 कॉइन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन पर 1000 कॉइन था, उससे 100 मिल गया 10%, अब 900 कॉइन बचा गया, अब उसको विड्रा मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसके पास तो 1000 नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है ना वो आपके पास 1000 होना चाहिए, ठीक है। अब जो बाकी का 900 है वो भी आपको मिल जाएगा, ये 70% करके ही मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास पहले जो है ना पहली मरतबा 1000 कॉइन पूरा होना चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, बाकी केवाईसी होनी चाहिए, 1000 कॉइन होना चाहिए। अब 28 डेट तक जो सबसे मेन चीज है आपने इसको ग्रीन रखना है, ठीक है ना, ये चीज जो है ना इसको लाजमी ग्रीन रखना है, वरना बाद में मुझे ना कहिएगा कि हमें कॉइंस नहीं मिले, ठीक है ना। मैं आपके सामने इसको ऑलमोस्ट 13-14 घंटों के बाद ही दबा देता हूं, आपने भी इसको जो है ना सिंपली ग्रीन रखना है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सारी अपडेट्स जो है ना वो पसंद आई होंगी, समझ आ गई होगी। सो आज वाली वीडियो में बस यही, अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं कमेंट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।